नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में, उत्तराखंड प्रदेश है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको दोबारा से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। और हम इस समय मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में इस समय बैठे, और आप ये देखें कि भाजपा के कार्यकर्ता उनके आगमन को लेकर के, उनका धन्यवाद करने के लिए, उनको बधाई देने के लिए, उनको शुभकामना देने के लिए खड़े हुए हैं। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं, और आप सर अपना परिचय जोड़ दें पहले। तो मैं सुशील राठी हूँ, मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ, मंगलौर विधानसभा में ही मेरा निवास है। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है, एक तो लोकसभा पे आप बता दीजिए सबसे पहले कि क्या स्थिति रहेगी। आप भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते ना, आप एक आम नागरिक होने के नाते आप बताएं। देखिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आज पूरा देश भाजपा में है और लोगों में इतना उत्साह है। आप देख रहे हैं हजारों हजार गाड़ियां माननीय हमारे सांसद प्रत्याशी और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के स्वागत में लोग खड़े हैं, और इतना उत्साह लोगों में है कि मैं समझता हूँ कि हम सुबह 8:30 बजे चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। अच्छा, बंगलौर विधानसभा उपचुनाव होना है, यहाँ पर कौन कैंडिडेट बेहतर रहेगा भाजपा की तरफ से? क्योंकि आप कैंडिडेट तो नहीं ना, बस ठीक है, इसलिए हम देखिए हम सबसे आपसे पूछेंगे, अगर हैं तो आप, फिर हम आपसे नहीं पूछेंगे भाई साहब, क्योंकि आप तो अपना निश्चित तौर पर अपना बताओगे। चलो चलो, आप पूछो कोई बात जी, बताएं कौन कैंडिडेट बेहतर होगा भाजपा? देखिए, ये बताना मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही बताएगी, क्योंकि इस पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड है और यहाँ पर जो भी काम होता है, जितने भी फैसले होते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं, लोगों की राय ली जाती है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उस पर अंतिम मोहर अपनी लगाते हैं। तो ये कहना कि किसका टिकट होगा, जिसका भी टिकट होगा, भारतीय जनता पार्टी का, सारे लोग कमल के फूल हमारा चुनाव चिन्ह है, कमल के फूल को हम जिताने का काम करेंगे। मुझे भी टिकट हो सकता है, इन्हें भी हो सकता है, इन्हें भी हो सकता है। प्रमुख कार्य क्या होने चाहिए मंगलौर विधानसभा में, ये तो बताएंगे आप? मंगलौर में चूंकि यहाँ पर जब से उत्तराखंड बना है तब से यहाँ पर बीजेपी का कोई प्रत्याशी नहीं जीता है, केवल कांग्रेस और बीएसपी का यहाँ पर प्रत्याशी हमेशा जीते हैं, और मंगलौर बहुत विकास से कोसों पीछे है, क्योंकि मंगलौर में कोई काम नहीं हो पाते जब सत्ता के साथ यहाँ लोग नहीं है, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक नहीं जीतते हैं। तो मंगलौर में शिक्षा और चिकित्सा, ये दो तो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और खेल के लिए भी यहाँ पर युवा जो यहाँ बहुत हैं, ये ग्रामीण अंचल। की बार सत्ता के साथ जाएगा मंगलौर? निश्चित रूप से जाएगा, 100% भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विजयी होगी, और लोगों ने मन बना लिया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजयी होगी। सर, आप बताएं मंगलौर में कौन प्रत्याशी हो सकता है उपचुनाव के लिए बेहतर? ये तो पार्टी जैसा तय करेगी, कुछ नाम तो बता दीजिए, दो चार नाम तो बता ही दीजिए। देखिए, नाम के लिए तो यहाँ बहुत प्रत्याशी हैं, पर बहुतों के नाम बता दीजिए, पार्टी जिसे तय करेगी वही प्रत्याशी होगा। ठीक है सर, आप बताएं। जी, मैं पहले अपना परिचय देता हूँ, और आपके चैनल से बहुत बहुत सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं यहाँ से, जहाँ आप खड़े हो फिलहाल, जिला पंचायत सदस्य हूँ फिलहाल, यहीं से। दूसरी बात, और ये मान के चलो मेरी पार्टी आज तक भारतीय जनता पार्टी के सिवाय कोई पार्टी नहीं है। जिला अध्यक्ष भी रह चुका मैं अल्पसंख्यक मोर्चे से, और फिलहाल भी मैं मेन बॉडी में कार्यकारी सदस्य हूँ मेन बॉडी में, और जहाँ खड़े यहाँ से जिला पंचायत सदस्य हूँ फिलहाल। तो ये आज बहुत अच्छा माहौल भारतीय जनता पार्टी का है, तो हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का टिकट हुआ, तो इसलिए विधानसभा में बात करेंगे। सर, मंगलौर विधानसभा से कौन बेहतर उम्मीदवार हो सकता है भाजपा की तरफ से? मंगलौर विधानसभा से भाजपा से उम्मीदवार जो भी हो सकता हो, पार्टी का निर्णय है जी, हमारा तो कोई नहीं। प्रमुख कैंडिडेट जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका हम नाम पूछना चाहेंगे, जैसे 4 हैं 5 हैं 6, उनका नाम लेना चाहेंगे? मैं तो अपना ले रहा जी नाम, सीधी बात मत ले रहा किसी और का, मैं जिला पंचायत यहाँ से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये अच्छी बात है जी। चलिए, आप किसे देखना चाहते हैं? किसके लिए विधानसभा में? विधानसभा में जो भी है, विधानसभा में कौन कैसे कार्य चाहिए आपको? हम खानपुर विधानसभा से, और यहाँ पर जो भी पार्टी निर्णय लेगी, हाईकमान निर्णय लेगा, वही बेहतर रहेगा। पार्टी वही भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा, उसके लिए कार्यकर्ता काम करेंगे तन मन। धन्यवाद। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीर है, और देखिए कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, इन महिलाओं से जान लेते हैं कि क्या कुछ खास यहाँ पर होगा। मैडम, एक सेकंड, मैडम आप लोग मंगलौर विधानसभा से? अच्छा जी, कहाँ से आप? मंगलौर विधानसभा। मंगलौर विधानसभा में, मंगलौर विधानसभा में कैसे कार्य होने चाहिए, अपने परिचय साथ?
अपने परिचय के साथ बताएं। महिला मोर्चा अध्यक्ष मीरा कपिल, मंगलोर विधानसभा देतुर। सारे विकास के काम होने चाहिए, कॉलेज सारे। कोई बताएं कि जो आने वाला प्रत्याशी जो आपका होगा उनसे क्या चाहते हैं? महिलाओं के लिए सुरक्षा सबसे प्रमुख हमारा यही यह है कि महिलाओं के लिए सुरक्षा, क्योंकि 6 बजे के बाद यहाँ पे और स्कूल कॉलेजों के पास जिस तरह से स्थिति है वो स्थिति यहाँ पे बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो महिलाओं की सुरक्षा सबसे प्रमुख हमारा कारण है और स्कूल कॉलेजों के पास पे खासतौर से। आप क्या चाहते हैं मैम? जो मैडम चाहते हैं मैं भी उसका समर्थन करती हूँ, बाकी स्कूल कॉलेजेस और गर्ल्स के लिए थोड़ा स्पेशल फैसिलिटीज हो। आप अभी ये चाहती हैं और इसके अलावा कुछ नहीं? नहीं, लड़कियों के लिए जो है आजकल जो लोग नॉमिनल से यहाँ पे एरिया आएगा, यहाँ पे अभी हमारे यहाँ भी क्या कहते हैं एक 3 तलाक को लेके हुआ है। 3 तलाक के एक छोटा सा बेबी अपने माँ को घर से बाहर निकाल दिया उन लोगों ने और वो वही घर के बाहर ही बैठी रही 3 तलाक होने के बाद भी, मतलब सब चीज करने नहीं। आप चाहते क्या हम लोग? कैसे, क्या नाम आपका? अंतुल खत्री, नगर मंडल मंत्री। हाँ जी, जो भाजपा का जो चाहिए भाई, चलिए छोड़िए, उम्मीदवार कौन होगा आपके नगर में भाजपा से? जो भी हो, लोकसभा के त्रिवेंद्र रावत जी हैं मंगलौर से। उपचुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए तो हमें तो वही चाहिए जो हम मंगलौर का विकास कर सके। जी धन्यवाद। लेकिन जो छोटी छोटी बातें हैं, लोगों पे इस चीज पे भी ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा है। महिलाओं के लिए तो खासतौर पे ध्यान देने की योग्य बातें आएंगी कि जो बहुत छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ी बातें होती।